How to easily 3-star the Lunar New Year Challenge. सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे इस वाली साइड से फ्लेम फ्लिंगर साथ शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर फ्लेम फ्लिंगर हम लोग को यहाँ पे मोटार को टेक डाउन करना है. सो हम लोग 3 बलून्स को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये मोटार टेक डाउन हो जाएगा एंड इसके बाद हम लोग अपनी फ्लेम फ्लिंगर को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे. एंड अब हम इस वाली साइड पर आएंगे और यहाँ पे जो सेकंड वाला मोटार आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को ड्रॉप कर देंगे. एंड अब यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है ये एयर डिफेंस और इस मोटार दोनों चीज़ों को निकाल के दे देगा. यस एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, इसके होने के बाद हम लोग यहाँ पे इस वाली साइड पे जहाँ पे सारे मोनोलिथ है यहाँ पे कुछ हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो क्या करना है हमको, ये जो डार्क लेजर स्टोरेज है यहाँ पे अपने 7 के 7 बैट स्पेल्स को डाल देना है एंड सीधा इनको यहाँ पे रेज करके भाई सिंपली हम लोग को यहाँ पे फ्रीज स्पेल डालना स्टार्ट करना है. जितने ज्यादा हो सके पॉसिबल आपको इनको फ्रीज करना है एंड एक फ्रीज ही बस यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, बाकी फ्रीज हम लोग बचा लेते हैं एंड 2 फ्रीज हमको आगे यूज करने पड़ेंगे इसलिए हम लोग यहाँ पे बचा रहे हैं. एंड अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और हम लोग एक बलून जो है हमारे पास उसको यहाँ पे डाल देते हैं एंड एक फ्रीज हमारे पास हमें मल्टी इन्फर्नो से हमको बचाने के लिए डालना है. तो मल्टी इन्फर्नो के पास जैसे ही हमारे बैट्स आएंगे हम लोग एक फ्रीज यहाँ पे डाल देंगे. ठीक है, तो हमारे मल्टी इन्फर्नो से बैट्स बच गए, इसके बाद हम लोग वापस से एक फ्रीज डाल देंगे. तो ये मल्टी इन्फर्नो से आपको बचाना है, इतना आपको बस ध्यान रखना है. एंड आफ्टर द मल्टी इन्फर्नो इज डाउन, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मल्टी इन्फर्नो डाउन जा चुके हैं. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने किंग क्वीन एंड बाकी सारे हीरोज़ को यहाँ पे डालेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाली साइड पर हम लोग एक ड्रैगन डालेंगे यहाँ पे एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे अपने भाई तीनों के तीनों बारबेरियंस एंड यहाँ पे हमारे आ जाएगी भाई साहब 2 मिनियंस, ये दोनों मिनियंस यहाँ पे आ जाएंगे. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अपना आइस गोलम डालेंगे, यहाँ पे अपनी वॉल्केरी को डालेंगे एंड अब हम लोग यहाँ पे किंग क्वीन दोनों को डाल देंगे. ये अपने 2 हीरोज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड अब थोड़ा सा हम लोग वेट करने वाले हैं यहाँ पे. ये सारी चीज़ें यहाँ पर टेक डाउन हो जाएंगी काफ़ी इजीली. ऊपर वाला जो एरिया है सब यहाँ पे मिनियन वगैरह कर देंगे, पर मेक श्योर करने के लिए हम लोग एक और ड्रैगन यहाँ पे डाल सकते हैं अगर कुछ दिक्कत आती है. फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं और अपने किंग की एबिलिटी का यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे चाहिए भाई ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रिकेशेड कैनन्स एंड अब हम लोग ये तीनों जो मल्टी आर्च टावर हैं ये भी मिल जाएंगे. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो हमारा है वो हम लोग को यहाँ पे 8 के 8 ड्रैगन स्पैम करके यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रो सॉरी अपना वार्डन जो उसको एयर मोड पर करके डाल देना है एंड दैट्स इट. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे सीसी बार आएगी तो हम लोग वार्डन की एबिलिटी का भी यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ऊपर वाली साइड से रॉयल चैमन को भी डाल देते हैं. सीसी यहाँ पे अभी तक बाहर आ चुकी है और सीसी की एबिलिटी भाई हमारी क्वीन की एबिलिटी चली गई है, कोई बात नहीं. वार्डन की एबिलिटी तक हम लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया पर आई थिंक वी आर फाइन हेयर. वार्डन की एबिलिटी का यूज़ अगर हम ना भी करेंगे तो भी आई थिंक चल जाएगा काम, तो इसलिए हम रोक के रख रहे हैं. फिलहाल हमारी रॉयल चैमन को हम लोग इन्विजिबल करेंगे यहाँ पे तो ये टाउन हॉल को निकाल देगी एंड वंस अगेन अनदर इन्विजिबल स्पेल. ओके सो इतना इजीली भाई ये चैलेंज हो चुका है कंप्लीट. हमारे पास 2 हीरोज़ की एबिलिटीज़ भी लेफ्ट हैं और रॉयल चैमन की एबिलिटी का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो ये टाउन हॉल मिल जाएगा अपने को. एंड नाउ वार्डन की एबिलिटी का हम स्वैग कर देते हैं बिकॉज वार्डन की एबिलिटी हमें यूज़ में आई भी नहीं और उसके बिना हमारा बेस हो चुका है 3-स्टार. सो वेल गाइस, दिस वॉज द फुल गाइड ऑफ हाउ टू 3-स्टार दिस चैलेंज एंड काफ़ी ईजी था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है भाई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड नाउ लेट्स सी हम लोग को रिवॉर्ड यहाँ पे क्या मिलने वाला है. सो बेसिकली जो रिवॉर्ड है वो हम लोग अभी जाके देखते हैं भाई क्या रिवॉर्ड है. हम लोग 25 जेम्स एंड एक हम लोग को यहाँ पर रिसर्च पोर्शन साथ में 400 एक्सपी मिली है. तो ये थे अपने रिवॉर्ड्स गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग स्टफ इन दिस लूनर अपडेट. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग, पीस आउट.